तो पावर पॉइंट में वीडियो एड कराने का एक तरीका तो ये कि इंसर्ट में जाएं, वीडियो पे क्लिक करें, ऑनलाइन वीडियोस पे क्लिक कर दें। ऑनलाइन वीडियोस में जो वीडियो आप इस पर ऐड कराना चाह रहे हैं उस वीडियो का लिंक डालना होगा, लेकिन इस सूरत में इंटरनेट का होना लाजमी है और सॉफ्टवेयर भी प्रॉपरली काम कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कौन सी वीडियो जो इस पर आप डालना चाह रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर यूट्यूब खोला हुआ है, कोई भी वीडियो मैं इसमें से लेना चाह रहा हूँ, जैसे कि इसकी वीडियो लेना चाह रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करा मैंने और जैसे ये लोड हो जाता है, तो ये इंटरनेट ही इतना स्लो चल रहा है, क्या करें, इस पर चल ही नहीं हो रहा है वो। दूसरा मेथड को देखते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से जाएंगे, वीडियो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होनी चाहिए, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आपके कंप्यूटर में जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये एक वीडियो का शॉर्ट है, इसको ऐड करना है, इंसर्ट करा लें, ये वीडियो आपके पावर पॉइंट में ऐड हो जाएगी। अब एक तो तरीका ये है कि आप मल्टीपल वीडियोज़ को प्ले कर सकते हैं, तो उसमें तरीका इंसर्ट में जाएं, यहाँ से ब्लैंक स्लाइड्स पर क्लिक करें, ठीक है, एक और स्लाइड पर क्लिक करें और हर किसी स्लाइड पर अलग अलग वीडियोस को डाल दें। इससे होगा ये कि ये तीनों वीडियोस आ जाएंगी एक एक स्लाइड के ऊपर और जब आप क्लिक करेंगे वीडियो के ऊपर तो प्लेबैक एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं प्लेबैक को के यहाँ पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर दें और यहाँ पे क्लिक करके प्ले फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दें और सेम काम आपने इस पर कर दे रहा है। क्लिक करेंगे इसके ऊपर, प्ले ऑटोमेटिकली प्ले ऑन फोन स्क्रीन, और यहाँ पे क्लिक करके प्लेबैक ऑटोमेटिकली प्ले ऑन फुल स्क्रीन। फिर स्लाइड शो जब आप करेंगे तो ये एक एक वीडियो, एक एक सेगमेंट जो है ऑटोमेटिकली चलता चला जाएगा। अब जैसे कि ये वीडियो प्ले होगी, जैसे ये एंड पे पहुंचेगी अपने, तो यहाँ पर आके रुक जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो पे क्यों नहीं गई, क्योंकि इसके आगे हमने ट्रांजिशंस डिफाइन नहीं की हुई थी। अगर हम यहाँ पे एक ट्रांजिशन भी इफेक्ट डाल देते और इसमें हम रख देते हैं माउस ओवर और इसको हम रखते हैं कि भाई ये 5 सेकंड से 10 सेकंड में अप्लाई टू ऑल, सारी स्लाइड्स चेंज होंगी। तो ये देखिए इस तरह से वीडियो पूरी प्ले होगी और मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। जब ये एंड पे पहुँचेगा तो यहाँ पे फिर रुक गया ये। अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्यों नहीं जा पा रहा है, हालांकि हमने यहाँ पर इस पर क्लिक करके वीडियो प्लेबैक के ऊपर, यहाँ पे प्लेबैक के ऊपर ऑटोमेटिक भी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एंड पे पहुँच के ये रुक जाता है। एक तो है प्ले फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, ऑटोमेटिक पर भी रखा हुआ है, सही है। ट्रांजिशंस भी आपने इस पर लगाई हैं और 6 सेकंड का ड्यूरेशन भी लगाया है, तो ये तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई भी हुआ हुआ है। अच्छा, अब उसके बावजूद ये स्लाइड चेंज नहीं कर पा रहा, तो सेटिंग्स तो सारी सही है। एनिमेशन पेंटर को खोल के देखते हैं, एनिमेशन में कोई यहाँ पर देखें, अच्छा ये ट्रिगर हुआ हुआ ऑन क्लिक के ऊपर, इसको भी विद प्रीवियस कर देते हैं, आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। इस तरह से ये तीनों वीडियोस एक सीक्वेंस में प्ले होती चली जाएंगी। अब इस तरह आप जितनी वीडियोस की तरतीब बना दें उन सारी वीडियोस को ये एक के बाद एक प्रोसेस करता रहेगा और उनकी मिला के एक वीडियो बना देगा, मतलब 2-3 वीडियोस को मिलाकर एक वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपने करना ये कि किसी वीडियो का कोई सीक्वेंस निकालना है बीच का, ना कोई टुकड़ा उसमें से अलहदा करना है। जैसे कि कोई ऐसी वीडियो चाहिए होगी जिसमें से हमें कोई इसमें से एक अलग से पीस निकाल सके,
तो यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक और ब्लैंक स्लाइड ऐड कराते हैं, और अब कोशिश करते हैं यूट्यूब से कोई वीडियो चल गई हो। ये असल में 4 घंटे का है ना, इसलिए नहीं चल पा रहा होगा। चलो ये ले लेते हैं। ये तो शायद इंटरनेट स्लो होने की वजह से लोड नहीं हो रहा, कोई दूसरा वीडियो ले लेते अपने पास ही। ओके, तो मेरे पास कोई एक वीडियो ये ले लेते हैं, कॉमेडी का ऐसे का एपिसोड है। अब ये एपिसोड तो काफ़ी बड़ा है, मतलब अगर हम इसके प्ले बैक में जाके देखें वीडियो ट्रिम वीडियो करके, तो हमें पता चलेगा कि ये एपिसोड जो है वो तकरीबन 21 मिनट 27 सेकेंड और 89 मिली सेकेंड्स का है। अब इसका कोई बीच का हिस्सा मुझे लेना है शुरू से या आखिर में, तो उस हिस्से को यहाँ से हम इसके सेगमेंट को निकाल लेते हैं, शुरू के और आखिर के जो इसके सेगमेंट्स हैं उनको हम यहाँ से ट्रिम करके ओके करेंगे। तो अब इस वीडियो का उतना ही हिस्सा प्ले हो गया, होगा बवाल हो जितना हिस्सा हमने ट्रिम किया है। गया। ये कौन ठीक है? है, ये यहाँ की यानी कि यहाँ पर आप नोट कर लें कि अगर आप इसमें से जितना हिस्सा अलग करना चाहते हैं। अच्छा, फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही वीडियो के डिफरेंट हिस्से आप ले लें, जैसे कि इसी का एक कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट ले लें यहाँ से, और यहाँ पे रख के आप जो हैं इसके प्लेबैक में जाके ट्रिम करें। अब हमने इस पे ये हिस्सा लिया हुआ था फॉर एग्जांपल, अब आप इसका कोई ये वाला सेगमेंट ले लेते हैं, ये यहाँ से लेके ये सेगमेंट ले लेते हैं आप इसका, ओके कर दें। तो यहाँ पर ये वाला सेगमेंट खाना प्ले खाने होगा, जाती थी और मुझे मोटी। और यहाँ पर जो है ये वाला सेगमेंट प्ले हो गया, होगा। बवाल हो गया। और इसी तरह अगर हम इस वीडियो को डिफरेंट स्लाइड्स पर ले लेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स उसके लेंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट इसके प्ले होने लग जाएंगे। अब इसमें एक ही स्लाइड पर है, हम चाह रहे हैं पहले ये प्ले हो फिर ये प्ले हो, तो उस सूरत में क्या करना होगा, इसको रखना होगा ऑटोमेटिक पे और इसको भी रखना होगा ऑटोमेटिक पे। तो अब पहले ये प्ले हो और जब ये एंड हो जाए तो फिर ये प्ले हो, तो ऐसी सूरत में आपको एक के बाद एक प्ले करने के लिए यहाँ पे देखिए इसका ये पूरा ट्रिगर बना हुआ है, उसका पूरा ट्रिगर ये बना हुआ है। तो पहले वाले पे क्लिक करें, प्ले बैक पे एनिमेशंस में जाएं, आफ्टर प्रीवियस पे सेट हुआ हुआ है और ये भी आफ्टर प्रीवियस पे। दैट्स सो नाइस कि अब जब आप स्लाइड शो करेंगे, हो गया बवाल हो गया। ये वाला सेगमेंट चलेगा, और जैसे ये सेगमेंट अपने एंड को हाँ पहुंचेगा, जी, कौन है? तो उसके बाद अब ये वाला सेगमेंट प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट यहाँ प्ले होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद ये वाला। तो यहाँ पर आपको देखना ही है कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे ये ऑन क्लिक पे सेट हुआ, इसको आफ्टर प्रीवियस पे कर दे और इसको भी आफ्टर प्रीवियस पे कर दे। हो गया बवाल हो गया। हाँ जी, कौन ये एंड पे पहुंचेगा अपने, है? और यहाँ पर जाके ये जैसे एंड होगा तो फिर ये वाला प्ले होना शुरू हो जाएगा। ऐसे आप 3-4 वीडियोस एक स्क्रीन पे भी रख सकते हैं और 3-4 वीडियोस को एक के बाद एक भी प्ले कर सकते हैं, और वो उतना ऐसा इसका प्ले होता रहेगा। सिमिलरली अगर इसमें ये वीडियोस इस तरह से और दोनों एक साथ ही प्ले करनी हो, तो ये वीडियो भी चलती रहे और ये वीडियो भी चलती रहे, तो इस सूरत में आपको ये रखना होगा इसको विद प्रीवियस के ऊपर, और इसको भी रखना होगा विथ प्रीवियस के ऊपर, ये भी रखेंगे विथ प्रीवियस पर, और ट्रिगर को भी सेट करेंगे विथ प्रीवियस पर।
और प्लेबैक दोनों को ऑटोमेटिक पे रखेंगे, ठीक है, और फिर इसको स्लाइड शो करेंगे। ठीक है, इस तरह से अच्छे दिन ये दोनों वीडियो और आपस में लड़ी एक साथ प्ले होती रहेंगी स्क्रीन के ऊपर। इस तरह दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस जितनी वीडियो चाहें सबके साथ एक साथ भी प्ले करा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तरीका होता है वीडियोस को अपनी स्क्रीन पर दिखाने का। अब इसमें वो YouTube वाला अभी तक ये नहीं चला, क्या यार इसके ऊपर ये वरना ये तरीका ये होता है कि आप जैसे ही कोई वीडियो चलाना चाह रहे हैं ना अपने पावर पॉइंट पर ऑनलाइन यूट्यूब से, तो उसके ऊपर राइट बटन दबा के उसका एड्रेस कॉपी करना होता है। लेकिन शायद ये इंटरनेट की स्लो स्पीड की वजह से नहीं चल पा रहा है। चला है लेकिन ऐड चला है। ठीक है, अब ये वीडियो मुझे चलानी है तो इसका राइट बटन दबाया, यहाँ से कॉपी करना है इसका कॉपी वीडियो यूआरएल एट द दिस टाइम। उसके बाद आपने जाके अपने पावर पॉइंट के ऊपर और इंसर्ट में जाके वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके अपना लिंक पेस्ट कर देना है, राइट बटन दबा के पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो इधर आ जाएगा, इसको इंसर्ट करा ले। ओके, उसके बाद फिर यही वाला प्लेबैक आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, इसको ऑटोमेटिक क्लिक कर दें, स्लाइड शो पे क्लिक करें। वीडियो को और फिर ये वीडियोस जो हैं वो आपकी YouTube से डायरेक्टली प्ले करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से भी आप कोई सिस्टम ऐसा बना सकते हैं वीडियोस वगैरह का कि वो डायरेक्टली YouTube से लेके भी वो उसको प्ले कर सके, ठीक है ना।